हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना हियर। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अर्चनास मैथ एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 6, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास 7। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट 3। दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट 3। ऑलरेडी आई हैव टेकन इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड 2, सो गो थ्रू दैट आल्सो। नाउ हियर वी विल स्टार्ट टू स्पेशल ट्रायंगल्स। दिस टू स्पेशल ट्राइंगल्स कौन से है? इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलियस ट्राइंगल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। सपोज आई एम ड्रॉइंग हियर इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। अब इक्विलैटरल, इक्वी मीन्स वॉट? इक्वल, एंड लैटरल मीन साइड्स। So this triangle is equilateral triangles means all sides of this triangle are equal. माने ये सभी जो sides है ये triangle की ये equal है। तो सबसे पहले क्या है कि all sides are of equal length, ठीक है। और second क्या है, all angles also are equal measure। सभी एंगल्स भी इक्वल मेजर्स के होते हैं और ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। देखिए ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल ये 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर दिस वी कैन राइट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 60 डिग्रीज। कितने के होते हैं? 60 डिग्री मेजर्स के होते हैं। गॉट इट हियर? तो इक्विलैटरल स्पेशल ट्रायंगल इसीलिए है कि इसके बारे में हमें ऑल साइड्स आर इक्वल टू प्रॉपर्टीज हमें मिली है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है? इन ट्रायंगल If two sides are equal, ये ट्राइंगल देखिए, सपोज आई एम टेकिंग हियर पी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल में दो साइड, दिस टू साइड्स आर इक्वल। ये आइसोसेलियस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है, ठीक है। तो ये दो साइड्स इक्वल इन लेंथ है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो थर्ड जो साइड है इसे बोला जाता है बेस। ओके, तो ये जो पी आर हो जाएगा यहाँ पे बेस। तो यहाँ पे पहली तो प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि टू साइड्स आर इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, ये तो हो गया। अब यहां पे देखिए हमें बोला है कि ये पी आर जो है बेस है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है तो थर्ड साइड जो है उसे बेस बोला जाता है। तो ये अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस साइड, अपोजिट एंगल, ये देखिए क्यू आर का अपर, ये साइड का अपोजिट एंगल हो जाएगा ये एंगल पी, ठीक है। और पी क्यू का अपोजिट एंगल हो जाएगा ये एंगल आर, ठीक है। ये दोनों बेस एंगल्स है, ये भी इक्वल होते हैं। माने एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये जो दो इक्वल साइड्स है इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, जिसे हम बेस एंगल, हम पी आर को क्या बोल रहे हैं? बेस। तो ये पी एंड आर एंगल हो जाएगा बेस एंगल, ठीक है। तो ये बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल मेजर्स के होते हैं, ठीक है। बेस एंगल्स इक्वल मेजर्स के होते हैं। गॉट इट हियर? दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज आइसोसेलियस ट्राइंगल। Now come to next. Now next property is sum of the lengths of two sides of a triangle. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई भी triangle draw करते हैं. I am going to label this triangle. So suppose this triangle is PQR. Okay. Now what is given here? See that the sum of the lengths of any two
ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब देखिए यहाँ पे कोई भी दो साइड्स, सपोज आई एम टेकिंग हियर पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है, तो पी क्यू प्लस पी आर, लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर, सम ऑफ दिस टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कौन सी है यहाँ पे क्यू आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। ओके, सिमिलरली आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं, अगर हम लेते हैं यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर सम ऑफ दिस टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कौन सी थर्ड साइड बची है पी आर, सो ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ पी आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, सपोज दिस साइड इज ऑफ फोर, दिस इज ऑफ सिक्स सेंटीमीटर, सिक्स यूनिट्स वी कैन कंसिडर एंड दिस इज थ्री यूनिट। ओके, नाउ सी हियर इफ सम ऑफ दिस टू साइड्स दैट मीन्स क्यू पी एंड पी आर इज अ थ्री प्लस फोर, is it? How much 3 plus 4 is 7 and this 7 is greater than the length of QR, that is the third side, that means the greater than the 6, is it? अब कोई भी दो साइड्स, अगर हम ये दो साइड्स लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 plus 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। Now third side कौन सी बची थी, ये is 10 is greater than 3, got it here, that means कोई भी दो sides के length की sum always greater than the length of third side, got it everyone, now come to the next, now next is right angle triangle and Pythagoras properties, हम Pythagoras theorem भी बोलते हैं, this is the important one theorem, यहाँ पे देखिए ये जो theorem है ये हम अप्लाई करते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर राइट एंगल ट्रायंगल, सो और आपको पता है किसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे जो ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ पे जो राइट एंगल के अपोजिट में स्लैंटिंग लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एसी को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और बची हुई रिमेनिंग जो दो साइड्स है उसे बोला जाता है लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे दिस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ही, ओके, क्या है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, आपकी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, तो हम लिखेंगे एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स, लेग्स माने ये दो साइड्स रिमेनिंग टू साइड्स, आप बोल सकते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, गॉट इट, तो कौन सी है दो साइड्स बचे हुए ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज अ पाइथागोरस थ्योरम आल्सो, ठीक है, क्या है ये कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ये दो बची हुई साइड्स इनका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, गॉट इट एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अब देखते हैं हमें अगर यहाँ पे ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, गॉट इट, और बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इससे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज माने ए सी स्क्वायर, अब आपको ये दिया है कि ए बी स्क्वायर दिया है 4, तो 4 ए बी दिया है, ओके, तो ए बी स्क्वायर माने 4 स्क्वायर प्लस
बीसी दिया है 3, तो 3 स्क्वायर। ओके, आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं? हम वही नंबर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर निकालने के लिए 4 इंटू 4 करेंगे, सो 4 इंटू 4 इज 16। 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 इंटू 3 इज 3, 3 इज 9। सो यू गॉट हियर एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। Therefore, AC square is equals to 16 plus 9 is 25. अब आपको देखिए, आपको लेना पड़ता है square root. So, if AC square का square root लेते हैं तो AC मिलता है. And 25 square root is 5. अगर आपको ये समझने में confused हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? AC square means what? I'm writing here. AC square means what? AC into AC, is it? And 25, या आपको ऐसे ही equal number में अगर multiply करना है तो आप क्या लिखोगे? 5 into 5 is 25, is it? माने यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC is equals to 5, therefore AC is equals to 5 centimeter. Got it everyone? Got your hypotenuse? Length of hypotenuse is 5 cm. This is the important property, Pythagoras property. Okay, got it here? So here, your introduction of this chapter is over. Now we will start with the exercise. So we will meet in next video with exercise 6.1. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.